नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नोएन। आप देख रहे हैं एसएस इलेक्ट्रिकल। तो आज हमारे पास है मल्टीमीडिया प्लेयर 2.1, जो कि पीसी वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। ये सिंपली ऑक्स टू स्पीकर है, यानी कि हमारे जो कंप्यूटर वगैरह में है उसके इस्तेमाल के लिए है। तो आज जो है ये सेट में जो है रिपेयरिंग करूँगा। ये जो है पूरा डेट हो चुका है, तो क्या क्या प्रॉब्लम है हम लोग पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं बात कर लेता हूँ इसके बारे में। ये शायद कहीं पे पहले भी रिपेयर हुआ था, क्योंकि जो है इसका आप देख सकते हैं स्पीकर का कनेक्शन और जो पीछे ऑक्स के लिए कनेक्शन दिया गया है उसमें जो है सेलोटेप वगैरह लगे हुए हैं, और स्पीकर से जो भी है वायर वगैरह जो है अलग है। तो साथ में जो है इस वायर वगैरह को भी हम लोग जो है रिप्लेस कर लेंगे और नया लगा देंगे, ताकि जैसे कि पहले था नए में उस तरीके की कुछ लगे। तो कम्प्लीटली सेटअप जो है हम रिपेयरिंग करेंगे। ये रहा हमारा स्पीकर का कनेक्शन, तो हमें जो है यहाँ पे स्पीकर का कनेक्शन कर लेना है। उसके बाद हम जो है इस सेट को ऑन करेंगे और देख लेंगे कि ये सेट सही है या नहीं, क्योंकि ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको जो है रिपेयरिंग करना है। तो सबसे पहले हम जो है इस हमारा कनेक्शन को प्लग इन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये सेट ऑन हो रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए आपका जो है प्लग इन करके भी ऑन ना हो, तो सबसे पहले आपको देख लेना है इस होम थिएटर या इस टाइप के कहीं भी और होम थिएटर में जो है बैक में आपको एक स्विच तो मिलेगा ही। उस स्विच को जो है दो बार जो है ऑन एंड ऑफ करके आपको देख लेना है। कभी कभार क्या होता है, स्विच के वजह से जो है आपका सेट ऑन नहीं होता, और उसकी वजह से जो है आपको जो है यहाँ पे देख सकते हैं एक इंडिकेशन लाइट है वो शो नहीं करता। तो आपको जो है अगर इंडिकेशन लाइट कट भी जाए तो भी आपको जो है अभी देखने के लिए हमारा जो सेट है इसे खोलना ही पड़ेगा। तो हम लोग जो है फटाफट से सैनाट को खोल लेते हैं और देखते हैं अंदर के क्या प्रॉब्लम है। इस तरीके का प्लेयर जब भी आप जो है खोलने जाए, तब आपको जो है साइड से कोई भी ऐसा नट्स नहीं दिखेंगे, ताकि आपको जो है रिमूव करना है। तो इसको जो है सिंपली रिपेयरिंग करने के समय आपको जो है इसके नीचे जो ऊपर रहता है उसको रिमूव करना है, और ऊपर के लाइन से ही आपको जो है सारा सब कुछ जो है चेक कर लेना है और उस हिसाब से जो है ठीक करना है। तो हम लोग जो है इस ऊपर को निकाल लेते हैं, तो उसके बाद हमारा जो है काम शुरू करते हैं। लीजिए हमारा जो ऊपर है वो बाहर आ गया। अब हम अंदर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है सिंपली एक 09 का ट्रांसफार्मर है, और उसके सामने जो है एक मेन बोर्ड है आपका, जिससे जो है होम थिएटर प्ले होता है, और ज़्यादा कुछ नहीं। यानी कि सिंपली एक ऊपर था, अंदर एक ट्रांसफार्मर है जो 09 का है, यानी कि ये जो है 9 वोल्ट से रन होता है, 12 वोल्ट से नहीं, और एक जो है मेन बोर्ड है आपका। इस म्यूजिक प्लेयर को मेन लाइन कनेक्शन ना मिलने का टोटल 3 कारण है। एक हो सकता है आपका मेन जो एसी केबल है वो खराब हो चुका है, दूसरा है या तो आपका जो ये स्विच है वो खराब हो चुका है, या फिर आपका जो ट्रांसफार्मर है वो खराब हो चुका है। इसीलिए हम स्विच और केबल को देखने के लिए जो यहाँ पे साफ किया, ताकि हमें जो है कनेक्शन वगैरह में लेने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। अब हम क्या करेंगे, अपने डिजिटल मल्टीमीटर को लेंगे और उसे कंटिन्यूटी मोड में सेट करेंगे, और उससे उससे जो है हम लोग अपने स्विच को देख लेंगे सबसे पहले कि हमारा स्विच जो है कंटिन्यू मोड में शो कर रहा है कि नहीं। तो स्विच जो है वैल्यू दे रहा है अपना, यानी कि स्विच भी जो है ठीक है। अब हम हमारा केबल को चेक कर लेंगे कि केबल ठीक है या नहीं। सबसे पहले एक नंबर यहाँ पे टर्मिनल पे लगाएं और एक कनेक्शन यहाँ पे आपको लगाना है। पहले ही जो है एक कनेक्शन हमें मिल गया। ये देखिए बीप बज रहा है यहाँ पे। तो पहले हमें एक कनेक्शन मिल गया। अब जो दूसरे वाले कनेक्शन को हम लोग स्विच में जो है लगाएंगे और देख लेंगे। एसी कॉर्ड के एक पिन से हमें जो है कनेक्शन मिल रहा है, और दूसरे कॉर्ड से हमें जो है कनेक्शन नहीं मिल रहा है, यानी कि हमारा जो है एसी कॉर्ड ही खराब है। जैसे ही हमें पता चला कि हमारा जो है एसी कॉर्ड खराब है, तुरंत ही हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमारा ट्रांसफार्मर का कनेक्शन खोला, उसके बाद जो स्विच में से हमारा एसी कॉर्ड का कनेक्शन गया था उसे हमने रिमूव किया, और एसी कॉर्ड जहाँ से लगाया गया था उसको हमने अच्छे से खोल के जो है एसी कॉर्ड का जो लॉक था उस लॉक को भी हटा के जो है एसी कॉर्ड को बाहर खींच के निकाल दिया, और इसके बाद एक हमने नया एसी कॉर्ड लिया। अब चाहे तो जैसे भी लेंथ का हो आप ले सकते हैं। उसके बाद उसी एसी कॉर्ड को जैसे हमने खोला था
वैसे ही हमने लगा दिया। सबसे पहले उसका वायर को अच्छे से अंदर लगा लिया और उसके बाद जो है उसको छील के एक कनेक्शन हम लोग अपने ट्रांसफार्मर में और दूसरा कनेक्शन हमने जो है अपने स्विच में दे दिया। तो इसी तरह से जो है आपको एसी कॉर्ड को लगाना है। हमने जो है एसी कॉर्ड को लगा लिया, एसी कॉर्ड हमारा लगाना हो गया। अब हम जो है इसको कनेक्शन को ऑन करते हैं और हमने जो है ऑन करके देखा, स्विच को भी ऑन ऑफ करके देखा, अब भी हमारा जो है कनेक्शन नहीं आया। इसका मतलब हमारा जो है ट्रांसफार्मर खराब है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो ट्रांसफार्मर का ब्लू कलर का वायर है उसे हम लोगों ने बाहर निकाला, अपने मल्टीमीटर को लेंगे और इसी जो है लाइन सप्लाई अभी ऑन है तो एसी में सप्लाई को ऑन करके देख लेंगे, 200 में सेट करेंगे और ट्रांसफार्मर से हमें जो है आउटपुट मिल रहा है कि नहीं चेक कर लेंगे। अंदर जो है ट्रांसफार्मर 09 का लगाया गया है, यानी कि ये जो है 9 वोल्ट से 10 वोल्ट निकालेगा, यानी कि जो है कुछ अगर वोल्टेज दे 9 वोल्ट से ज़्यादा, यानी कि ये जो है ठीक है, और अगर 9 वोल्ट ना दे तो उसका मतलब जो है ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज ऐसा दिख नहीं रहा है, इसका मतलब हमारा जो है ट्रांसफार्मर भी खराब है। तो अब हम क्या करेंगे, एक ट्रांसफार्मर लेंगे और सिंपली यहाँ पे लगा देंगे। लेकिन तो उससे पहले हमें जो है सारे कनेक्शन को खोलना पड़ेगा और आपको दिखा दूं कि आपके जो ट्रांसफार्मर को खोलने के लिए ये जो नीचे दो ब्लैक कलर का नट देख सकते हैं उन दोनों को खोलना पड़ेगा, और बोर्ड के लिए जो ऊपर एक नट है और आपका जो वॉल्यूम स्विच में एक नट लगाया गया है उसे आपको खोलना पड़ेगा, तभी आप जो है इसे रिमूव कर सकते हैं। हमने जो है पुराने ट्रांसफार्मर को रिमूव कर लिया। ये जो है 09 का 700 मिली एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके बदले में मैं जो है 909 का ट्रांसफार्मर लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल जो है 09 का ट्रांसफार्मर नहीं है। मेनली ये क्या है, आपको सिर्फ यहाँ पे 9 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर चाहिए। अगर 1 एम्पेयर का भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 9 वोल्ट वाला जो है आपको ट्रांसफार्मर चाहिए। तो मैं जो है 9 वोल्ट 700 मिली एम्पेयर के जगह 9 वोल्ट 750 मिली एम्पेयर का ट्रांसफार्मर लगा रहा हूँ। अगर आप लोग 909 का ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कैसे करते हैं नहीं जानते तो इस वीडियो में देख लीजिए, या फिर मेरे जो है प्लेलिस्ट में और भी वीडियो है उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ सब देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने दिखाया है कि 1212 को कैसे कनेक्शन करते हैं, उस टाइप से जो है 909 भी कनेक्शन होगा आपका। ये जो है हमारा पीसीबी है, सबसे पहले जो है इस कनेक्टर से इसमें कनेक्शन दिया गया था। ये जो है कनेक्शन यहाँ पे 09 जो है एसी सप्लाई दिया गया था यहाँ पे, और ये जो है 4 डायट ब्रिज रेक्टिफायर की तरह जो है इस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा था, यानी कि 9 वोल्ट एसी को 9 वोल्ट डीसी में तो उसे लाइन जा रहा था। तो हमें क्या करना है, सिंपली आपको देख लेना है ये जो डायोड का पॉजिटिव साइड है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए जो डायोड में एक सफ़ेद कलर की पट्टी रहती है वो जो है पॉजिटिव साइड होता है, और जो आपको ब्लैक कलर का दिखता है वो जो है नेगेटिव साइड है। आप किसी भी नंबर का जो है डायोड ले लीजिए, सब में एक ही होगा। तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिखा दें, ये हमारा ये ऊपर का साइड जो है पॉजिटिव है और ये नीचे का साइड जो है नेगेटिव है। तो हमें सिंपली क्या करना है, ये 4 सेट डायोड में से हम जो है नेगेटिव वाला सेट का डायोड रिमूव कर लेंगे और हम लोग जो है अपना कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले इसको जो है हम लोग रिमूव कर लेते हैं एक एक करके। आप चाहे तो पंपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पंपर से जो है आपका पेस्ट और जो रंगा कहते हैं हम लोग रंग, वो आसानी से उठ जाएगा आपका। जो पीछे वाला दो डायट था उसको हम लोग जो रिमूव कर लिया, और सामने की तरफ जो है उसको भी रिमूव कर लेते हैं। तो हमने जो है दोनों डायट को निकाल लिया, पीछे के दोनों डायट को और इस साइड के दोनों डायट को ऐसे जो रिमूव कर लिया, रिमूव नहीं किया, एक पिन लगा के रखा पॉजिटिव साइड में। तो सिंपली इसे क्या करना है, जैसे कि आपको दिखा दे ट्रांसफार्मर से, तो ये जो है ट्रांसफार्मर, और आपको जो है हमने जो है ऐसे दो पिन को लगा के रख दिया जो पॉजिटिव साइड के पिन था तो उसको। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली ऐसे कनेक्शन कर देंगे। ये तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव मिल गया, और जो यहाँ पे मिडिल वाला टर्मिनल है यहाँ पे जो है आपको नेगेटिव कनेक्शन मिल जाएगा। तो ये नेगेटिव कनेक्शन सीधा ही आपका चला जाएगा बोर्ड के इस साइड में, जहाँ से हमने जो है सारे डायोड को रिमूव कर दिया था
वहाँ पे चला जाएगा, और दूसरा साइट जो है आपका ट्रांसफार्मर के लिए रह जाएगा। जैसे कि जो डायट है, ये दोनों डायट को आपको कुछ इस तरह से जो है लगा देना है इस दोनों में, और बीच वाला टर्मिनल वो जो है आपका नेगेटिव बन जाएगा, और आपको यहाँ से जो है एसी कनेक्शन यहाँ पे जो है आपको देना है। हमारा जो है ट्रांसफार्मर का कनेक्शन हो गया। हमने जो है ट्रांसफार्मर का बीच वाला का कनेक्शन जो नेगेटिव है वो नेगेटिव साइड में कर दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो है सारे डायोड को हटा के कर दिया, दो डायोड को निकाल के, और जो ट्रांसफार्मर का दोनों वायर है जो रेड कलर का वायर इस्तेमाल करके जो है हमने पॉजिटिव कनेक्शन में लगा दिया। अब जो है हम लोग इसको फिटिंग कर लेते हैं। तो जैसे कि हम लोगों का स्विच का कनेक्शन हो गया, और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं बोर्ड है, इंडिकेटर बाकी सब यहाँ का नट जो है हम लोगों ने टाइट कर दिया है, और ये जो है हमारा ट्रांसफार्मर है यहाँ पे लगा दिया है, और ये जो है वायर का जगह यहाँ पे जो है हम लोग स्विच के कनेक्शन के यहाँ पे जो है हम लोग फिर से जो है हमारा ग्लू लगा देंगे, और यहाँ पे जो है एक कैप है हमारे पास जो इस वायर के लिए है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्विच के नीचे यहाँ पे इस वायर को के गैप को भरने के लिए जो है सर हमारे पास कैप है जो यहाँ पे ही लगा हुआ था, तो उसे हम लोग फिर से लगा देंगे और हमारा जो है काम बन जाएगा। और यहाँ का जो है नॉब हम एडजस्ट करके लगा देंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो है जीरो कर लेते हैं, और इसका भी जो है पिन जीरो की तरफ ही रख के जो प्रेस कर देंगे और हमारा जो है नॉब लग जाएगा। और ये जो है हमारा स्पीकर का आउटपुट कनेक्शन, और यहाँ पे इंडिकेटर सारे स्क्रू को लगा दिया। हमारा जो है होम थिएटर का सारा कनेक्शन हो गया, आप देख सकते हैं जो कि है नीचे ऊपर वगैरह और साइड में सारे स्क्रू वगैरह सब लगाना हो गया। अब हम जो है सबसे पहले इसे एक बार चालू करके देख लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। तो हमने लाइन ऑन किया, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन LED जल रहा है, ऑफ करने से ऑफ होता है और ऑन करने से ऑन, यानी कि हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सिर्फ हमारा क्या बाकी है, ऑक्स जैक लगाना बाकी है, तो इसमें जो है एक ऑक्स जैक लगा देंगे हम। ये जो ऑक्स जैक है इसका कनेक्शन सिंपल है, इसे सिर्फ खोल लेना है, और सबसे पहले जो ये वायर है ऐसे यहाँ से डाल लीजिए बस। और ये जो देख पा रहे हैं एक वायर अलग से जो है बिना कवर के है, उसे आपको इसके बॉडी में लगाना है, और जो दो वायर है वो नीचे यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन से सोल्ड कर देना है। बस हमें सोल्ड करना है बस, जो कुछ ऐसे आपको लगा लेना है। जैसे कि हमारा हो गया जो नेकेट वायर था वो हमने बॉडी में लगा दिया, और जो कलर वायर था वो हमने यहाँ पर लगा दिया। ये जो है सिंपल आपका ग्राउंड है, और ये जो आपका कनेक्शन है कुछ ऐसे ही आपको लगा लेना है। हमारा जो है स्पीकर में कॉर्ड लगाना हो गया, इसका वीडियो आपको नेक्स्ट मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका था इसलिए शॉर्ट करने के लिए हम लोग जो है इसको काट दिया। तो अब हम जो है इसको सिंपली बजा के देख लेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने अपना स्पीकर के जगह पे स्पीकर का कनेक्शन लगा दिया, और ये जो है हम अपने मोबाइल में कनेक्ट करेंगे, उससे पहले हम लोग कनेक्शन को ऑन कर लेते हैं। प्लग इन करते हैं और स्विच को दे देते हैं, और हमारा जो है बॉक्स ऑन हो गया। अब हम इसे इस ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करेंगे, वरना हम मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। Thank you.
तो हमारा जो है स्पीकर रिपेयरिंग करना हो गया, म्यूज़िक प्लेयर रिपेयरिंग करना हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।